नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घिया के कोफ्ते, जिनको हम लौकी के कोफ्ते भी बोलते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लौकी ली है, उसका छिलका उतार लिया है, वॉश कर लिया उसे। 500 ग्राम लौकी है ये। अब हम इसको एक कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। लीजिए, हमारी कद्दूकस हो गई है। अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे और इसके अंदर ये जो लौकी है, सबसे पहले हम इसका पानी निकालेंगे। इसको हाथों की सहायता से इसका पानी अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं और आपको पता है लौकी के अंदर ज़्यादा पानी होता है तो हमारे कोफ्ते सही नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसका पानी को निकाल रहे हैं। लीजिए, मैंने देखिए बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिए हैं इसको। ऐसे करके हमने अपनी सारी लौकी का पानी निकाल लिया है। लीजिए, अब हम इस पानी को एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। इसको हमने यूज़ करना है जब हम कोफ्ते बनाएंगे। इसको साइड में रख दीजिए। अब हम लौकी के अंदर हरी मिर्च डाल रहे हैं, एक कटी हुई बारीक। धनिया पाउडर डाल रहे हैं एक चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक और चार चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर बेसन। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको मिक्स करते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लौकी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। और नमक हमें जब डालना है जब बिल्कुल हम कोफ्ते बनाने के लिए रेडी हों, क्योंकि नहीं तो ये पानी छोड़ देती है लौकी। लीजिए, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल साइज में कोफ्ते बना लेंगे। आप इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, गोल में चाहें या जिस मर्जी आकार में। लीजिए, बिल्कुल हमारे ऐसे लौकी के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। ऐसे करके हमने सारे लौकी के कोफ्ते बना लिए हैं। लीजिए, अब हम दूसरी तरफ अपनी गैस पर तेल रख देंगे गर्म होने के लिए कढ़ाई में। अब हम अपने लौकी के कोफ्ते डालेंगे, एक के बाद एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे धीरे धीरे करके। गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। लीजिए, अब हमें इन कोफ्तों को तलना है। ये जब तक डार्क ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इन्हें तलिएगा। अब हम इन्हें पलट देंगे। जब हमें लगे कि हाँ ये थोड़ा फ्राई हो गया, अभी इन्हें पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे से सुनहरी रंग के हो गए हैं हमारे ये। लीजिए, अब इन कोफ्तों को निकाल लेते हैं, हम साइड में रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम एक चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा डालकर गर्म करते हैं। फ्राई करना है जीरे को। गैस का फ्लेम वही मीडियम। अभी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, चार पाँच टमाटर जो कि मैंने मीडियम साइज़ के थे उनको पेस्ट बना लिया है। मैंने इनको कद्दूकस कर लिया था। अब इस सब मसाले को हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। हमें जब तक पकाना है जब तक ये टमाटर का जो मसाला है ये घी ना छोड़ दे। जब ये टमाटर पक जाते हैं तो इस साइड से अपने आप ही घी छोड़ देते हैं। अब हम इसके अंदर एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डाल दी है, कसूरी मेथी भी अब हमारी भुन गई है। अब हम इसके अंदर एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को भी अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके अंदर एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, ये भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो पानी निकाल कर रखा था ना कटोरी में लौकी का, वो पानी इसके अंदर डाल देंगे। बस थोड़ा सा ही पानी डालना है क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा ठीक रखनी है। अब हम भी अपने कोफ्ते डाल देंगे। ये लीजिए, देखिए हमने अपने कोफ्ते भी डाल दिए हैं। नमक हम स्वाद अनुसार, मैंने एक चम्मच डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। लीजिए, 5 मिनट हो गए, ढक्कन को उठा लिए। देखिए कोफ्ते हमारे रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और अब आप ये
पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।